हेलो एवरीवन, मैं कपिल भाटिया बेल्स ओवरसीज तो आज असं गल करांगे यूएसए स्टडी वीजा बारे। यूएसए जाने वाले स्टूडेंट्स बहुत डिसअपॉइंट हुए हैं क्योंकि उन्होंने अपॉइंटमेंट्स नहीं मिल रही तो कि आने वाले टाइम से इदा उन्होंने अपॉइंटमेंट्स नहीं मिलनगियाँ कि उन्होंने I-20 हम बेकार जाएगी कि यूएसए आने वाले टाइम से अगो स्टूडेंट्स को वीजा देगा। इन सारे सवालों का जवाब तुम अज की वीडियो मिलेगा। बेल्स ओवरसीज द साउंड ऑफ योर फ्यूचर। यूएसए ने ऑलरेडी क्लीयर करता है कि असी हुण विंटर इनटेक लई फर्दर अपॉइंटमेंट्स नहीं दांगे, यानी कि फर्दर अपॉइंटमेंट्स उन्होंने बंद कर दिया। विंटर केड़ा जनवरी फरवरी इनटेक से जो स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी फाइल्स अप्लाई की हुई सी उन्होंने हुण वो अपॉइंटमेंट्स नहीं मिल रही। ये देखने च भी आ रहा कि साढ़े भी जो स्टूडेंट्स है असी भी उन्होंने अपॉइंटमेंट बुक करने की कोशिश करते हैं तो वो अपॉइंटमेंट स्लॉट ही नहीं दिखा रहा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी जी एम्बेसी सी उन्होंने ओवर अपॉइंटमेंट्स दे चुके थे तो हुण वो फर्दर नहीं दे सकते क्योंकि उन्होंने कोई टाइम शड्यूल नहीं है। उन्होंने अपने स्टाफ का भी देखना, बाकी चीज़ों को भी देखते हुए, इस करके वो फर्दर अपॉइंटमेंट्स हाले नहीं दे रहे। पर स्टूडेंट्स में निराश होने की बिल्कुल लोड़ नहीं। ये मतलब नहीं कि यूएसए हुण स्टूडेंट वीज़ा देना ही बंद कर देगा या उन्होंने अपना वीज़ा ही बंद करता, इदा का बिल्कुल नहीं है। फर्क यह हैगा कि सिर्फ उन्होंने विंटर इनटेक लिए बंद किया, अगो फिर तुम जो अप्रैल मई इनटेक लिए कर सकते हो या सितंबर इनटेक लिए कर सकते हो, जुलाई इनटेक लिए कर सकते हो, क्योंकि वो तो मल्टीपल इनटेक्स है, मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ है, तो उन्होंने अपने अपने अलग अलग इनटेक्स है। उस अपना अपॉइंटमेंट्स थोड़ी टाइम बाद स्टार्ट कर देगा यूएसए। सैकेंडली जेडे हूँ भी जिन्होंने फाइल्स लगाई हुई सी अगर उन्होंने अपॉइंटमेंट नहीं मिली तो उन्होंने को भी ऑप्शन हैगी है कि वो अपनी I-20 डैफर करा सकते हैं नैक्सट इनटेक के अपना नैक्सट इनटेक डैफर करा के दोबारा फिर अपॉइंटमेंट लै सकते हैं क्योंकि यूएसए ने इस बार रिकॉर्ड वीज़ा दिते ने। अगर गल करिए तो तकरीबन 60,000 के करीब उन्होंने इंडियन स्टूडेंट्स को वीज़ा दिता है जोड़ा कि अज तक का रिकॉर्ड है। यूएसए ये कोशिश कर रहे हैं कि स्टूडेंट वीज़ा के असी इन नंबर वन बनाइए क्योंकि ऑलरेडी यूएसए नंबर वन सी, तो क्योंकि कैनेडा बहुत स्टूडेंट्स का फेवरेट बन चुका है ड्यू टू PR, तो हूँ यूएसए भी आने वाले टाइम के अपनिया पॉलिसीज कुछ चेंज करेगा, कुछ रिलैक्स करेगा, क्योंकि हूँ वो चाहते हैं कि असी स्टूडेंट वीज़ा के होर ज़्यादा इस क्योंकि बहुत वड्डी इंडस्ट्री है स्टूडेंट वीज़ा की। तो जे गल करिए आस्ट्रेलिया 35 बिलियन के करीब और कैनेडा 22 बिलियन के करीब स्टूडेंट वीज़ा तो ही उन्होंने इस इंडस्ट्री तो ही इनकम आती है। तो यूएस भी ये चाहता है कि इनू होर मल्टी टाइम इनू इनक्रीज़ किया जाए तो वो लिए नैचुरली कुछ फैसिलिटीज़ भी स्टूडेंट्स को ज़्यादा देंगे। तो इस 2021 के भी वो रिकॉर्ड वीज़ा देंगे क्योंकि हाले उ थोड़ी जी कोविड की सिचुएशन ओमीक्रोन के करके थोड़ी जी खराब सी, तो वो थोड़े टाइम लिए क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी अपॉइंटमेंट्स भी बहुत स्लॉट्स बुक हो चुके सी, इस करके थोड़े टाइमली बंद किया। इस करके स्टूडेंट्स बिल्कुल भी चिंता ना हो, बिल्कुल भी निराश होने की लोड़ नहीं। आने वाले टाइम तुहानू यूएसए दी डेफिनेटली अपॉइंटमेंट्स भी मिलनगियां और यूएसए आने वाले टाइम होर भी ज़्यादा फैसिलिटीज़ देगा स्टूडेंट्स को, तो स्टूडेंट्स को होर भी वेलकमिंग मोड च रहेगा। इस करके स्टूडेंट्स यूएसए वाले जरूर अप्लाई करन। यूएसए एक सिर्फ इंटरव्यू बेस्ड वीज़ा है, हो सकता कि आने वाले टाइम जो इंटरव्यू टेलीफोनिक भी कर दें ते उदा या कोई होर भी रस्ता करन, क्योंकि सानू जो इनफॉर्मेशन मिल रही है कि स्टडी वीज़ा दे विच कुछ चेंजेस करन जा रहे हैं जिहड़ी कि पॉजिटिव चेंजेस होणगियां। इस करके स्टूडेंट्स बी पॉजिटिव, तो यूएसए तुहानू वेलकमिंग मोड च हमेशा अगों भी मिलदा रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Business or call us for visa services. Follow us on our social handles for offers and new updates.